तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद हो रहा था, लेकिन हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में थे। पार्टी का सेक्रेटरी इत्तला'आत इन हालात में भी तनख्वाह ले रहा था। फवाद चौधरी का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश का इंटरव्यू, कहा किसी के पास प्लान नहीं कि बानी पीटीआई को बाहर कैसे लाना है। फवाद चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू रात 10 बजे नशर किया जाएगा। हामिद खान साहब को उनको कभी एक्टिव देखा? द फैक्ट इज कि हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर रह रहे थे, जब हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे, जब हम लोगों पे तशद्दुद और बर्बरियत हो रही थी और हो रही है, तो उस वक्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे। क्या इससे पहले आपने जिंदगी में कभी आपने सुना कि सेक्ट्री इन्फॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया महीना ले रहा हो किसी पार्टी से, जब इतने इब्तला के दौर से पार्टी गुजर रही हो? हम तो जेल में थे। मुझे आप ही बता दीजिए कि क्या आपको समझ आई है कि मौजूदा तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, हामिद खान साहब, रऊफ हसन साहब और ये जो बाकी दोस्त हैं, इनकी तरफ से क्या प्लान सामने आया है कि वो इमरान खान को कैसे बाहर निकाल पाएंगे? उनका प्लान क्या है? उनकी पॉलिटिक्स क्या है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।